हे गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज है नया साल, आज है 1 जनवरी 2022 और आप सभी को मेरी तरफ से वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन, ईच एंड एवरीवन, एंड आप सभी की फैमिली को भी। तो आज का हमारा प्लान बहुत ही सेट है। अभी हम 5 बजे उठने का प्लान था, लेकिन 6 बजे उठे नए साल वाले दिन भी। उठ तो हम पहले गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग। और अभी हमने सामान रात को ही काफ़ी पैक कर लिया था, और थोड़ा बहुत जो बचा है भी फ्रेश होंगे, नहाएंगे धोएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे पंजिम के लिए और या फिर अपने पुराने होटल के लिए, डिपेंडिंग ऑन द टाइम कितना टाइम लगता है। क्योंकि आज हमको करीब करीब 130-140 किलोमीटर के आसपास ट्रैवल करना पड़ेगा, मे बी मोर। हो सकता है कि ये जो ट्रैवल है 160 किलोमीटर तक भी हो जाए, डिपेंड करता है कि कौन सा प्लान है। बाकी आज मैंने सोचा है कि रोज़ व्लॉग करने की कोशिश करूँगा, देखते हैं कितने दिन तक रोज़ व्लॉग कर पाते हैं। और व्लॉग को डालने का भी फ़ायदा होना चाहिए, मीन्स कि रोज़ डालना भी चाहिए। तो ये कोशिश करने की सोची है मैंने, रोज़ व्लॉग करने का। लोग प्रण लेते हैं पर अभी तो कोई प्रण नहीं लिया है। बाकी यही रहेगा, अभी प्लान सेट है, अपन पैक करते हैं, नहाते हैं और निकलते हैं। ठीक है, चलो। तो गाइस अपन लोग नहा लिए हैं मस्त तरीके से, एकदम फ्रेश फ्रेश हो गए हैं। सामान लगभग पैक हो गया है, ये डब्बा ऊपर आगे रखूँगा मैं। इसके अलावा एक हेलमेट में माउंट लगा लिया है, उधर की तरफ एक बैग है और उधर उसके जस्ट पीछे की तरफ एक बैग है। तो अपना जो सामान है वो सेट हो गया है, बस अब निकलने की देरी है। बस अब निकलेंगे फटाफट, कोई होटल के ब्रेकफास्ट का इंतज़ार नहीं करेंगे, क्योंकि होटल का ब्रेकफास्ट हमें 9-9:30 बजे देता है। तो आज निकलेंगे और रास्ते में कहीं पे नवतारा है, जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे नवतारा मिलता है, वहाँ मतलब नवतारा रेस्टोरेंट सीरीज़ है यहाँ पे, नवतारा, नवरत्न और उड़पी वाली, तो वहाँ पे कहीं पे खा लेंगे। फिलहाल के लिए यही अपडेट आज नए साल पे। ठीक है भाई, चलो। ओके, हे गाइस, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और आज है नया साल और आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं है। और अपन निकल रहे हैं पंजिम के लिए। तो पंजिम के निकलने के लिए अपन ने चाबी ले ली है, मास्क ले लिया, चश्मा ले लिया है और इसकी लाइटें बंद करेंगे। ये हमारा स्टे था फोर नाइट्स, 4 रातों के लिए हमारा स्टे था। और मॉर्निंग में अभी हो रहे हैं टाइम 7:04। अपन ने अपना डब्बा उठा लिया है और यहाँ की लाइट भी चली गई है। कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है इसके अंदर शायद 1 या 2 बेड है। अपन चल रहे हैं नीचे और अपना स्विमिंग पूल को बाय बाय बोलने का टाइम हो चुका है। बाय बाय स्विमिंग पूल। प्रॉपर्टी ठीक है, अगर कोई बंदा आना चाहता है तो आ सकता है। भैया 102 का चेकआउट कर रहे हैं, चेक कर लो एक बार अब। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी ओस पड़ती है, तो ओस का नतीजा है। और ये अपना रॉयल रिजॉर्ट था। तो स्कूटी का सबसे अच्छा खास फ़ायदा ये होता है कि आपको थोड़ा सा बूट स्पेस ज़्यादा मिल जाता है, पर बूट स्पेस ऑलरेडी हम लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिया है। हाँ, इस तो आ ही जाना चाहिए, इतना बड़ा है नहीं है, ये तो पक्का ही जाएगा, पूरा भरोसा अपने को। चलो, ब्लॉक हो गया है चाबी, अपन थोड़ा सा इसको वार्म स्टार्ट कर दे, बोल दिया मैंने उसको, इसको थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं जिससे गर्म हो जाए। ये 1 मिनट बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि इसको काफ़ी लंबा ट्रैवल करना है। अभी मैं इसकी रीडिंग देख लेता हूँ, इसकी रीडिंग पे लिखा है 14128। 14128 पे हमने इसको खड़ा किया है और अपन यहाँ पे बैग लगा रहे हैं। ये अब की बार नहीं आ रहा है, पिछली बार तो आ गया था, इस बार क्या हो गया, साइड से मोटा हो गया क्या?
पिछली बार कैसे आया था, अगर आना तो पड़ेगा इसको, यही तो इसकी खास बात है, आ जाएगा ये। आ गया फाइनली अपना, ये भी होंडा सिटी भी वार्म स्टार्ट हो चुका है और अब निकलने का टाइम भी आ चुका है। बैठ चुके हैं हम सीसा सेट, हाँ जी, और बाय रॉयल रिजॉर्ट, अगली बार मिलेंगे आपसे। तो अपन ने चेकआउट कर ही दिया है सही से, सारी चीज़ें सेट कर ली हैं, चाबी उसी के अंदर छोड़ दी है। बहुत सारे लोगों का गोवा से चेकआउट का आज दिन होगा, जो दूर दूर से आए होंगे, क्योंकि उनको मंडे से ऑफिस भी जाना होगा, आज नहीं तो कल तो गारंटीड होगा पूरा गोवा खाली हो जाएगा। और अपना टाइम भी आ गया है, 15 दिन की वैकेशन, जो 15-18 दिन जितने भी थे उन वैकेशनों को बाय बोलने का। और अपने हमने स्टार्ट किया है 14108 पे, और आज 100 किलोमीटर से ज़्यादा चलने वाली है। एक बार इसकी टंकी फुल कराने की सोच रहा हूँ मैं, या फिर नहीं कराते सोचते हैं अभी रास्ते में। तो चलो गाइस, आप रास्तों को एंजॉय करो और हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। से ये बोलेगा होंडा मड़गांव सिटी, तो हम मड़गांव सिटी के अंदर से जा रहे हैं, तो ये मड़गांव सिटी ही है, थोड़ा एक्सटेंडेड हो चुका है, तो रास्ता मड़गांव सिटी का जा रहा है, या फिर बाहर वाला आउटर मड़गांव सिटी हो सकता है, नोबडी नोज, पीपल नोज बट आई डोंट नोज, आई डोंट नो। ओके गाइस, तो ये एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि यहाँ पे ये ट्रेन का पुल होगा, पक्का ट्रेन का पुल होने वाला है ये। अगर ये ट्रेन का पुल हुआ तो हम मड़गांव में ही हैं, बट यहाँ पे इस तरीके से घर है, शायद बारिश ज़्यादा होती होगी यहाँ पे, इसलिए इस तरीके से घर की छत बनाई जाती है कि पानी नीचे जा सके, पानी टिके ना घर की छतों पे, जिससे घर की छत लीक ना करें। तो ये मड़गांव जैसा ही है, बिकॉज यहाँ पे रेलवे की पटरियाँ हैं और शायद आगे रेलवे का प्लेटफॉर्म होगा, प्लेटफॉर्म है क्या आगे, सो आई एम राइट, ये मड़गांव ही है। ओके नो प्रॉब्लम, सो हमने ये थ्योरी क्रैक कर ली है और मड़गांव को हम लगभग क्रॉस करने ही वाले हैं। तो ये ओल्ड तरीके से जो बिछाया गया था वो ही सिस्टम है, अपन अब शहर से बाहर निकलेंगे, कोर ऑफ शहर को हमने जल्दी पार कर लिया, क्योंकि मड़गांव में ज़्यादातर भीड़ रहती है, यहाँ पे कुछ खाने पीने के ऑप्शंस भी हैं, ये देख सकते हो आप, ये सारा मड़गांव है अगर आप देख पा रहे हो तो, आई होप कि आप देख पा रहे होंगे, ओके आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो अपन मुड़ना है सीधे सीधे, तो ये क्या, ओके दो चक्की वाहन, इस पे लिखा है दो चक्की वाहन, मतलब टू व्हीलर्स के लिए है वो जगह। और ये गोवा है, मोस्टली गोवा में सिंगल लेन या डबल लेन रोड है, 4 लेन 6 लेन 8 लेन कुछ भी नहीं है, हाईवेज भी सिंगल लेन है, उसी पे 1% ही चले पाएगा, इतना छोटा है। और यहाँ पे हमारा पेट्रोल पंप मिल गया है, मेरी पेट्रोल देख ले, 150 200 डाल लेते हैं, पूरा नहीं भरेंगे, 200 तो आ ही जाएगा। में 60 किलोमीटर ही चल पाएगी ज्यादा उतरो जा रहा। इनका गूगल पे फोन पे कुछ है क्या, 95.9, कुछ सस्ता हो गया पेट्रोल, कुछ गिने चुने पैसे
कितने किलोमीटर बचा है? अरे अभी तो 157 किलोमीटर बचा अभी भी हमारे हॉस्टल तक का, और उस बीच का 10 किलोमीटर आगे वो है। चल देखते हैं पहले कहाँ पहुँचे। चल 200 रुपये का डलवा लूँगा, 2 लीटर आ जाएगा, 2 लीटर में 60 किलोमीटर चल जाएगी, हॉस्टल तक तो पहुँच ही जाएंगे। वॉशरूम जाओ, आराम से जाओ। भैया रुक जाओ भाई, 200 का डाल दो, 200 तो खुली ना रहा। कितनी चल जाएगी भाई 200 में? 200 के अंदर कितने किलोमीटर चल जाएगी? 200 अपने को चलानी है। थैंक यू। कुछ सस्ता हो गया क्या? कुछ 57-58? पता नहीं बंद किया नहीं किया। ओके गाइस, 200 रुपये का पेट्रोल भरवा लिया है, टंकी थोड़ी सही हो गई है 200 रुपये का पेट्रोल में। हालांकि मुझे लगता है कि अभी और लगेगा पेट्रोल, क्योंकि हमको अभी 100 किलोमीटर और ट्रैवल करना है। 57 किलोमीटर तो स्ट्रेट है और ये 3 पेट्रोल पंप एक साथ हैं। ओके, तो आप गाइस मड़गांव एक्सप्लोर कर ही रहे हो मेरे साथ। यहाँ पे छोटी छोटी बसें चलती हैं, बड़ी बड़ी बस नहीं चलती हैं, बहुत कम चलती हैं। जो बाहर के स्टेट से आती हैं वही चलती हैं, और गोवा के अंदर की जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो कोई इतनी खास नहीं है। के बाद साउथ गोवा से निकले थे हम करीब करीब 7:10 के आसपास, और अभी हो रहे हैं 9:18। लगभग 2 घंटे 10 मिनट के आसपास का टाइम हो गया है और हम पहुंच गए हैं नियर टू अपर होस्टल। बस यहां से 5 किलोमीटर है और मेरे पीछे है नवतारा। नवतारा रास्ते में पड़ता है तो हमने सोचा कि एक बार अच्छा हैवी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर दोपहर में कुछ देखेंगे, वरना रात को जब बस वाला रोकेगा 9 बजे के आसपास, जब भी ब्रेकफास्ट होगा 12 घंटे के बाद, तो अभी हैवी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और यही होगा अच्छा, एक छोटा ब्रेक भी हो जाएगा इसी बहाने, वरना हॉस्टल में जाके देखते क्या होता है। अभी हमारे पास 6 घंटे हैं। तो ये आज का हमारा ब्रेकफास्ट है 1 जनवरी 2022 का, और इस ब्रेकफास्ट को हम कर रहे हैं नवतारा होटल चेन के अंदर, जो कि गोवा के अंदर है।